नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि हमें कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए। फिर सुपात्र व्यक्ति कौन? जैसे कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई अपाहिज है, कोई अनाथ है, या कोई विधवा महिला है, या कोई जरूरतमंद है विद्या के एक क्षेत्र में, गुरुकुलों में, गौशालाओं में, अनाथालयों में, अस्पतालों में। ये जो स्थान होते हैं, ये सुपात्र होते हैं। हमें ऐसे जगह दान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दान लेकर उस धन को शराब, मांस, तमाकू, जुआ, सट्टा, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में लगाता है, तो उससे उसके मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर की हानि होती है। अतः उसे सुख की बजाय दुख भोगना पड़ता है। तो इससे दान देने वाला व्यक्ति भी पाप का भागी होता है। जैसे पत्थर की नाव में बैठने वाला तथा नाव दोनों ही डूब जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार दान देने वाला और दान लेने वाला, इससे दोनों को ही नुकसान होता है। तो इसलिए हमें दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए। भरे पेट को रोटी देना उतना ही गलत है जितना स्वस्थ को औषधि देना, क्योंकि रोटी हमेशा भूखे के लिए होती है और औषधि रोगी के लिए। समुद्र में वर्षा हुई व्यर्थ है। आप समझ गए होंगे कि हमारे कहने का क्या उद्देश्य है। दान तीन प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो आइए हम सात्विक दान को जान लेते हैं कि वह क्या होता है। उचित समय पर तथा उचित स्थान पर किसी ऐसे सुपात्र को सत्कार पूर्वक दिया हुआ दान जिससे किसी प्रतिफल की आशा न हो, वह सात्विक दान कहलाता है। जैसे हम गौशालाओं में दान देते हैं, अस्पतालों में दान देते हैं, गुरुकुलों में दान देते हैं, या किसी अनाथालय में दान देते हैं, तो ये जो दान होता है ये सात्विक दान होता है। तो इससे आगे हम बात करते हैं राजसिक दान की। राजसिक दान क्या होता है? प्रतिफल की आशा से या भविष्य में किसी लाभ की आशा से दिया हुआ दान और जिसे देने में हमें दुख होता है, ऐसा दान राजसिक दान कहलाता है। यदि कोई कंपनी कहे कि हम आपके पैसों को डबल करके देंगे, तो कई बार हम उन्हें पैसे देने में हिचकिचाते भी हैं और हमें दुख भी होता है। तो हमें ऐसी जगहों पर पैसे नहीं देने चाहिए। हालांकि यह दान तो नहीं होता, फिर भी ये हमारे साथ धोखा करते हैं। हमें ऐसी जगहों पर पैसे नहीं देने चाहिए। तो इससे आगे हम बात करते हैं तामसिक दान की। तामसिक दान क्या होता है? गलत स्थान पर और गलत समय पर कुपात्र व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसिक दान कहलाता है। जैसे आजकल गांव में, शहरों में जो ये पंडित पुजारी घूमते हैं, ये पाखंडी बाबा घूमते हैं, और ये किसी के घर से सूट ले जाते हैं, कहीं से गेहूं ले जाते हैं, और इन्हें बाजार में बेचकर इनसे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, या किसी महिला के साथ व्यभिचार करते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं देना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ा करके दक्षिणा लेता है या यज्ञ करवा के दक्षिणा लेता है और इस प्रकार से अपनी आजीविका चलाता है, तो यह उत्तम कार्य है, यह दान नहीं कहलाता। बिना कुछ किए लोगों से बेफिजूल पैसे ऐंठना, जैसे पंडित पुजारी करते हैं, ये पाखंडी बाबा करते हैं, कहीं से भी कुछ ले जाते हैं और हम इन्हें दे भी देते हैं, तो हमें ऐसी जगहों पर दान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि कोई गरीब है तो उससे पैसे देकर उसकी मदद करनी चाहिए, और हमें ऐसे ही बेफिजूल अपने पैसों को नहीं नष्ट करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।